हे व्हाट्स अप गाइस, यार आप सब लोग कैसे हो यार। आप सब लोग बहुत अच्छे होगे और घर पे मजे कर रहे होगे, और अब मेरी वीडियो देखो, फुल एंजॉय करो और मजे करो। तो गाइस, आज का जो गेम प्ले है काफ़ी अटके होने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो आप सारे ये देख रहे होगे, ये बंदे कौन थे? ये यार गैंग के लीडर हैं यार, ये काफ़ी खतरनाक बंदे हैं सारे। और ये एक अच्छी बात है, ये सारे मेरे चेले हैं, ठीक है। मैं जिधर जा रहा हूँ ये उधर ही आएंगे, ठीक है, मेरे चेले हैं। तो अभी मैं आपको समझाऊंगा कि गेम प्ले है क्या। तो सबसे पहले गाइज मैं एक ट्रक लेके आता हूँ, आर्मी वाला ट्रक लेके आता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा क्या है गेम प्ले। तो गाइज मैं लेके आ गया हूँ आर्मी वाला ट्रक। अब आपको ये भी बताऊंगा कि मैं आर्मी वाला ट्रक लेके क्यों आया। तो चलो पहले गाइज सारे बंदे इसमें बैठ जाते हैं, ठीक है। और अब मैं बताता हूँ गाइज हमें करना क्या है, ठीक है। पहले बैठ के आराम से ये खोला और बैठ गए, अब ये सारे बैठते रहेंगे पीछे। तो गाइज देखो, पहले गाइज मैंने एक लैम्बोर्गिनी चोरी करी थी, ठीक है। वो काफ़ी खतरनाक लैम्बोर्गिनी थी, वो हमने सक्सेसफुली चोरी करी थी। ये जितने भी गैंग के बंदे ना, हम सब ने मिल के चोरी करी थी। तो गाइज वो चोरी कर लिया, वो हम मस्त चलाते हैं, ठीक है। वो काफ़ी महंगी थी। अब गाइज एक फरारी आई है, फरारी का एक न्यू मॉडल आया जो कि अब हमें चोरी करनी है वो, और उसमें काफ़ी ज़्यादा सख्ताई है यार, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुलिस है, बहुत ज़्यादा। तो अब हमें वो चोरी करनी है, काफ़ी मुश्किल है चोरी करना, बट हम कर लेंगे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ हम आर्मी वाले ट्रक लेके क्यों आए। गाइज देखो, अगर हम एक छोटी छोटी गाड़ी से हम जाते तो काफ़ी ज़्यादा गाड़ी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए बस लाता तो यार बस से हमें शक होता, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पुलिस है। अभी बंदे जो भी है ना देखेंगे आर्मी वाला ट्रक है, पुलिस वाले देखेंगे आर्मी वाला ट्रक है, तो वो हमें जाने देंगे, अंदर जाओ। और ये पीछे सोचेंगे कि ये पीछे चोर है, क्योंकि यार ये गैंग के बंदे, इनकी शक्ल भी काफ़ी खतरनाक है। तो कुछ ऐसा सा सीन है, ठीक है, इसलिए मैं ट्रक ये आर्मी वाला लेके आया। अब आप सोच रहे हो मेरे को आर्मी वाला ट्रक मिला कैसे। गाइज हमारे भी यार कुछ पुलिस में जान पहचान है यार, तो मिल गया, ठीक है। और देख रहे हो यार ऐसी जान पहचान है हमारी। और यार ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है यार, आजकल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ करना पड़ेगा अपने लॉस एंटोज में, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है आजकल। तो गाइज काफ़ी मज़ा आने वाला है यार, अगर वो गाड़ी हो। ये देखो यार इस गाड़ी का क्या करना, नैनो पता नहीं क्या नाम है इसका, ये देखो बस आ रही है सामने से। तो गाइज अगर वो गाड़ी यार मेरे को मिल गई ना, सच में यार काफ़ी मज़ा आने वाला है। अपनी लैम्बोर्गिनी को तो गाइज मैं बेच दूंगा यार, लैम्बोर्गिनी बकवास है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने वो बहुत चला ली लैम्बोर्गिनी, ठीक है। बस अपनी यार फरारी मिल जाए गाइज, वो काफ़ी मस्त फरारी है, आपको दिखाऊंगा कैसी है, वो मिल जाए बस एक बार यार, ठीक है। वैसे तो हम सारों ने एकदम गदर प्लान बनाया हुआ है, क्या करना है क्या नहीं, वो हम लेके रहेंगे, ठीक है। गाइज जहाँ पे मतलब वो आई कैसे है लैम्बोर्गिनी, वो सिर्फ एक ही लैम्बोर्गिनी है जो कि दुबई से आई है, ठीक है, अपने लॉस सैंटोस के अंदर। तो उन्होंने पुलिस वालों की वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी भी लगी हुई है, और वो जहाँ पे गाइज नदियाँ वदी है ना, पानी वानी, वो उस जगह पे खड़ी एकदम सेफ, और उन्होंने छुपा के रखे यार, हमें ढूंढनी पड़ेगी यार, ये काफ़ी दिक्कत है। मैंने पुलिस वालों से बहुत पूछा, जो भी मेरे जान पहचान थे, भाई ऐसे ऐसे चोरी करा दो चोरी करा दो, बट उन्होंने बोला इसके बारे में हमें नहीं पता, उधर की सिक्योरिटी के बारे में पता होगा। तो यार लेट्स गो, हम खुद ही पहचान कर लेंगे, ठीक है। तो गाइज अभी मैंने बीच की क्लिप काट दी थी, अभी देखो उस एरिया में गाइज मैं पहुंच चुका हूँ। ये देखो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी नाव, मतलब जो बोट वगैरह होती है ना, वो चलती है नदियों में, तो वो वहाँ उसी से आई थी वो गाड़ी। तो चलो भाई अभी हम चलते हैं, ठीक है। बहुत बहुत लंबा रास्ता था यार, हम तो थक गए यार, मेरी कमर वमर सब चटक गई बैठे बैठे, मैं काफ़ी देर से ड्राइव कर रहा हूँ इस ट्रक को। ये देखो, और वो पीछे वाले बंदे तो फुल मस्ती काटते हुए यार, पूरे रास्ते मस्ती काटे इन बंदों ने। ये अरे अरे ये देखना स्लिप खा रहा है यार, देखो देखो यार, ओ ठुक गई, चलो कोई दिक्कत नहीं, बैक लेते हैं। अब गाइस अब जो है अब मेन है, ठीक है। हम अब यहाँ पे यार काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है, काफ़ी ज़्यादा कैमरे वगैरह काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। ये देखो अब काफ़ी मुश्किल है, तो भाई अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। ओ यार रॉन्ग रास्ते आ गया था मैं। ये देखो गाइस अभी सक्सेसफुली मैं अंदर आ चुका हूँ, ठीक है। किसी ने भी मेरे को नहीं रोका, किसी ने भी, ना पुलिस वाले ने, ना सीसीटीवी ने, ना कोई मेरे को रोकने टोकने कोई नहीं आया। ये हुआ गाइज इस ट्रक का फ़ायदा, ठीक है। अब अपना यार ट्रक एकदम सेफ खड़ा करना है मेरे को, किधर खड़ा करें, लोकेशन देखते हैं कहाँ पे खड़ा करना होगा। आई थिंक गाइज इन यहाँ पे खड़ा कर दे क्या, नहीं थोड़ा सा आगे चलते हैं ना, आगे की तरफ खड़ा करेंगे इस ट्रक को। हाँ ये जगह सही रहेगी, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी छाया भी है और ये सही है। अब गाइज देखो, अगर वो हमने फरारी चोरी कर ली तो भाई मैं अकेला उस फरारी में आऊँगा, ठीक है, अकेला। तो ये सारे बंदे इस ट्रक में ही जाएंगे, ड्राइव कोई और कर लेगा। अब गाइज इन्हें मैं प्लान समझा देता हूँ, करना क्या है करना क्या नहीं है। गाइज अभी पहले मैं आपको भी समझा देता हूँ करना क्या है, जो मैं अभी इन्हें समझाने वाला हूँ। मैं गाइज इन्हें ये समझाऊंगा कि गाइज सब बंदे ढूंढेंगे गाड़ी को, जो भी मिलेगा, तो सबके पास हमारे पास फ़ोन है, फ़ोन कर देगा जिसको भी गाड़ी मिलेगी। तो गाइस अभी मैंने इन सबको सब कुछ समझा दिया है, ठीक है। तो अब सब जाओ ढूंढो गाड़ी, मैंने इनसे बोल दिया सब ढूंढो, और मैं भी ढूंढता हूँ जाके, ठीक है। चलो भाई ढूंढते हैं। तो गाइस अभी काफ़ी टाइम हो गया यार, मेरे को तो गाड़ी मिली नहीं, किसी को भी नहीं मिली, पता नहीं कब मिलेगी यार, कुछ पता नहीं है गाड़ी का।
तो गाइस गाड़ी मिल चुकी है, ये देखो ये खड़ी यार गाड़ी। अब गाइस गाड़ी तो मिल गई है मेरे को, और जितने भी वो सातों बंदे थे गाइस, मैं उन सातों अपने गैंग वालों को नहीं बताऊंगा कि मेरे को गाड़ी मिल गई है, क्योंकि गाइस अगर मैंने उन्हें बताया तो वो मेरे से पैसे मांगेंगे, थोड़े थोड़े पैसे दे, बाकी तो मैं उन्हें झेल लूँगा, ठीक है। अब जो बात है गाइस, देखो मैं उन गैंग वाले बंदों को लेके क्यों आया था, मैं उनको लेके इसलिए आया था क्योंकि जब मैं इस गाड़ी को लेके जाऊंगा तो पुलिस वाले मुझे पकड़ेंगे, तो वो पुलिस वालों को मारेंगे सातों। अभी मैंने उन सातों को धोखा दे दिया है, तो अब मेरे को निकलना काफ़ी मुश्किल होगा। ओ यार ये ट्रक वाला आ गया, इसने देख लिया है मेरे को, तो अभी इसे मारना पड़ेगा। यस गाइज मैं इसे मारूंगा, जिंदा मार दूंगा अभी इसे मैं ख़त्म करूंगा। रुक जा भाग कर रहा है, रुक जा। ओए ये गया गाइज, इसे मैंने मार दिया है, क्योंकि गाइज अगर ये पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देता, और अभी मेरे को खुद ही यार रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ये जगह गाइज सही है, ये जगह मेरे को पता है, ठीक है, ये जगह मैंने मैप में देखी थी, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं होगी। यस गाइज मेरे को रास्ता सही मिल गया है अभी तक, और भाई ओ मिल गई गाइज, देखो सड़क मिल चुकी है मेरे को। यस अब भगाऊंगा गाड़ी, देखो और ये देखो भाई, अब ओ भाई यार ये गाड़ी अब दिखाता हूँ गाइस, अब क्योंकि मैं सेफ हूँ एकदम, ना पुलिस केस ना गैंग वाले बंदों को किसी को कुछ नहीं पता, मैं गाड़ी लेके सक्सेसफुली भग के आ गया हूँ। बहुत खुशी हो रही है गाइस मेरे को, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अब गाइस सबसे पहले मैं घर पे ही मिलूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, ठीक है। तो गाइस मैं घर की लोकेशन पे आ गया हूँ, ये देखो। अब गाइस अब वो जो गैंग वाले बंदे हैं ना, जो सात होते हैं, उन्हें मैंने धोखा दिया था, वो मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते कुछ भी, ठीक है, क्योंकि उन्हें भी पता है मैं काफ़ी खतरनाक बंदा हूँ यार, फ्रैंक नील नाम है मेरा, काफ़ी खतरनाक हूँ मैं। अब वो लेकिन आएंगे ज़रूर मेरे से यार हिसाब मांगने के लिए, सातों भाई पैसे दो, ये दो, तुमने धोखा दे दिया, ये कर दिया, तो वो आपको कल के गेम प्ले में पता लगेगा कि क्या होएगा क्या नहीं होगा, ठीक है। और भाई अपने तो सक्सेसफुली अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है घर में, और यार काफ़ी अच्छा दिन गया आज का, काफ़ी मज़ा आया। और अगर आपको गेम प्ले में काफ़ी मज़ा आया हो तो यार लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो कल का गेम प्ले आने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है, उनको भी मार दूंगा गाइस मैं सातों को, ठीक है। आप कमेंट करो उन्हें मैं मारूँ या ना मारूँ, ठीक है। तो भाई थैंक यू यार मौसम।